By the way, बबीता जी, आपने अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये ब्लॉक करवाया कि नहीं? Oh no, नहीं मैंने तो नहीं करवाया, पर मेरा फोन भी चोरी हो गया ना, तो मैं कर भी नहीं पाई। अरे तो आप लीजिए ना, मेरे फोन से कर लीजिए। बबीता बेटे अभी परेशान है, उसके बैंक में तू फोन करके बोल दे ले। नहीं नहीं चाचा जी, मैं बबीता जी के बैंक में फोन करके कार्ड ब्लॉक नहीं करवा सकता। क्यों? अरे वो 50 सवाल पूछते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, मुझे नहीं पता होगी इन्फॉर्मेशन इतनी सारी। बैंक वाले भी कमाल है, परेशानी के वक्त भी इतने सवाल पूछते हैं। नहीं वो सवाल पूछना जरूरी है चाचा जी, वो प्रोसीजर होता है और ये सेफ्टी के लिए भी है, वरना तो कोई भी ब्लॉक करा देगा ना ऐसे। आ गया, लॉयर भी आ गया। क्या हुआ बबीता? व्हाट हैपेंड? आर यू ओके? यह हम ओके अय्यर, पर यहाँ पे हम सबके घर में चोरी हुई है। What? हाँ? क्या हुआ, कैसे हुआ, बताओ मेरे को। ओहो, यू रिलैक्स, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तुम्हारा फोन देना प्लीज, मुझे मेरे कार्ड्स ब्लॉक कर ले। लो 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 लो, वो बहुत लो। हाँ करा दीजिए भाई, करा दीजिए। कर दे, इन सब के भोलेपन का फायदा उठाया है उस लड़की ने। सही बात है। ए बता जी, जब टप्पू के पापा को पता चलेगा तब क्या होगा? अरे बहुत तू शांत हो जा, जेठा तुझे कुछ नहीं कहे। मैं तो बोलता हूँ सोसाइटी में बाहर के लोगों को एंट्री देना ही नहीं चाहिए। ये अच्छा आइडिया है यार, ना आएंगे लोग ना होगी चोरी। अरे एक मिनट, तुम लोग क्या बोल रहे हो दोनों? सोसाइटी में आने वाले सभी लोग चोर थोड़ी होते हैं। हाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग भाई, सोसाइटी के अंदर कितने आने वाले लोग हैं भाई। भिड़े के बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं, ट्यूशन की बात करने के लिए उनके पेरेंट्स आते हैं, आदि भाई के पेशेंट्स आते हैं, तो हम लोग किसी को आने से रोक थोड़े सकते हैं। बराबर, और वैसे भी हम सब पे तो अविश्वास नहीं कर सकते ना। और आप क्या चाहते हैं कि लड़की वाले मुझे देखने आए तो मैं मीटिंग जो है वो सोसाइटी के बाहर करूं? अरे भाई, अरे भाई लड़कियों के घर को देखे बिना वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कैसे करेंगे? एक साइंटिस्ट हो क्या आप, कैसी फालतू बातें कर रहे हैं? मैंने क्या फालतू बात किया? अरे फालतू ही है ना भाई, मैंने फालतू बात किया? अरे वही ना भाई, मेरे घर पे आएंगे नहीं तो। कहां की बात, कहां लेके जा रहे हैं? पावड़लाल, तुमने वो चोरों की गाड़ी को देखा था? हाँ, वो लाल कलर की बड़ी गाड़ी थी। उसका नंबर देखा था? हाँ नंबर नंबर। अरे भाई अभी बताया ना कि मेरी उनके साथ हाथापाई हुई, उसमें मेरा मोबाइल टूट गया, मेरा चश्मा गिर गया, तो मैं वो नंबर नहीं देख पाया। मैं बाद में उठकर वो अब्दुल की दुकान तक भागा, लेकिन वो लोग भाग गए। एक 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 मिनट, इतनी सारी बात में हमें अब्दुल तो ध्यान आया ही नहीं। अब्दुल कहाँ है? अरे हाँ हाँ, अभी अभी मैं और चाचा जी बाहर से आए तो अब्दुल दिखा नहीं बाहर। मैं भी अभी आया तब भी अब्दुल दुकान पर नहीं था। अरे मैं तो सब मैं और तुसी आए तब भी अब्दुल नहीं थी। अरे भाई हो सकता है अब्दुल अब तक आ गया हो, हम उससे जाके पूछते हैं उसने किसी आने जाने वाले को सोसाइटी में देखा क्या। चलो फिर मैं देखता हूँ। उसके आते उसको मालूम होगा शायद। देख लेते हैं अब्दुल। अब्दुल अब्दुल नहीं, अब्दुल तो यहाँ। अब्दुल कहाँ गया होगा? कमाल है, ऐसे आधा शटर डाउन करके कहाँ चला गया ये अब्दुल? अच्छा साहब, हाँ कहीं इसकी दिक्कत में चोरी तो नहीं हो गई? अरे यहाँ तो सब ठीक है। सामान तो सब ठीक है भीड़े। हाँ और इसमें भी लॉक लगा हुआ है। कमाल है, ये ऐन मौके पे अब्दुल कहाँ गायब हो जाता है? मैं फोन करके पूछा। हाँ पूछो पूछो। उसका फोन भी नहीं लग रहा है अभी। यूं कहता है मैं आते जाते हर आदमी पे नजर रख रहा हूँ, आज खुद ही नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं। चलो अंदर चल के पुलिस का वेट करते हैं। चलो चलो। नहीं चाचा जी, देख लिया वहाँ, पता ही नहीं चल रहा अब्दुल है। फोन भी नहीं लग रहा है और पता नहीं अभी तक पांडे जी क्यों नहीं आए। देखो 100 साल की उम्र आ गए। बहुत प्रॉब्लम हो गया। शांत हो जाइए आप लोग। बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, हमारे यहाँ बहुत बड़ी चोरी हुई है।
और मेरा नया मोबाइल टूट गया। अब तुम्हारे मोबाइल टूटने की कंप्लेंट भी पुलिस लिखेगी? नहीं नहीं, मतलब पांडे जी वो अब चोरों को पकड़ते हुए मेरा मोबाइल टूट गया। क्या बेटा, तुमने तो मुझे कहा था कि चोर को पकड़ा नहीं है, तुम लोगों ने तो खुद ही चोर को पकड़ लिया, फिर मुझे बुलाया क्यों? अरे नहीं नहीं पांडे जी, चोर को कहाँ पकड़ा है, चोर तो भाग गए। श्योर? थैंक गॉड। अच्छा तो ये बताओ कि चोरी किसके घर पे हुई है? एक मिनट, एक मिनट, क्या सबके घर पे एक साथ चोरी हुई है? लालू पांडे जी, हम सभी के घर में चोरी हुई है, सिवाय मेरे घर के। मेरा नया मोबाइल टूट गया है, अब मेरे घर कोई चोरी नहीं हुई। सबके घर पर चोरी हुई, तुम्हारे घर पर चोरी क्यों नहीं हुई पोपटलाल? क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई ना अभी तक। मतलब चोर बीवियों को चुराने के लिए आया था। नाना पांडे जी, और मतलब ये है कि जिस घर में लेडीज अकेली थी उसी घर में चोरियां हुई हैं। मेरी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए मेरे घर पर चोरी नहीं हुई। लकी मैन। अच्छा तो ये है चोरों की मोडस ऑपरेंडी। मोडस? मोडस? अच्छा वो हिम्मत नगर के पास आए, वो चोर लोग वहाँ के थे? नहीं, मोडासा की बात नहीं हो रही है दया भाभी। मोडासा तो हाँ बिल्कुल गुजरात में है, ये मोडस ऑपरेंडी अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब तरीका। पूछ रहे हैं उनका चोरी करने का तरीका क्या था। सही बात है, तरीका चोरी करने में भी तरीका। चाचा जी वो क्या है कि चोरों के अलग अलग तरीके होते हैं चोरी करने के। जैसे ये चोर ये उसी घर में चोरी करता है जहां पर औरतें अकेली होती। पाटिल जी सर, जिन जिन घर में चोरियां हुई हैं उन सारे घरों से सबूत इकट्ठे करें और मेरे सामने पेश करो। हाँ। आप में से कौन पुलिस को कॉपरेट करना चाहता है? मैं चाहता हूँ। थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। थैंक यू, वेलकम सर, चलो आइए। अच्छा आप लोग मुझे डिटेल में बताइए कि चोरी कब और कैसे हुई। पंडित साहब मैं बताती हूँ क्या हुआ। हुआ यूं, वो चिबौली है ना, वो हमारे घर पर परफ्यूम बेचने के लिए आई और सब लोगों को कहा, इनको इनको इनको, सब लोगों को कहा कि वो मेरी सहेली है। अच्छा तो वो चोर आपकी सहेली थी? नहीं नहीं, वो मेरी सहेली नहीं है, वो ऐसा झूठ बोलकर इन सब लोगों को मिली। अच्छा जब आपको मिली तब उसने क्या कहा कि वो किसकी सहेली है? मुझे कहा कि वो भीड़े बैंक की सहेली है। अच्छा वो आपकी सहेली थी? मेरी नहीं, उन्होंने भीड़े बहन बोला। भीड़े बहन मतलब माधवी। माधवी बहन, ये माधवी मेरी बीवी। उनको वो भीड़े बहन बोलती। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो झूठी सहेली आपकी सहेली थी? नहीं नहीं, ऐसी मेरी सहेली शक्यस नहीं। पांडे जी वो लड़की किसी की दोस्त नहीं थी। हाँ मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल हुआ ये कि मैं अंजलि भाभी के घर आया था मेरे घर की चाबी लेने। मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो परफ्यूम बेचते बेचते चोरी कैसे कर रही थी। आप लोग क्या कर रहे थे, परफ्यूम की सुगंध का आनंद ले रहे थे? वो पंडित साहब हुआ यूं कि। अच्छा अच्छा, अब आप भी बोलो। परफ्यूम के दाम सुनते ही इंसान के होश उड़ जाएं ये तो हमने सुना था, लेकिन बेहोश हो जाएं ये तो पहली बार सुन रहे, नया लगता है। जानते हैं जानते हैं, उस परफ्यूम में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी इसीलिए आप लोग सुनते ही बेहोश हो गए। पंडित साहब हम सब लोगों के घर से पैसे, गहने, फल, हमारे मंगलसूत्र ये सब चुरा के ले गए हैं, आप हमें वापस दिला दीजिए ना।
हम सबका सामान हमें मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा। थैंक यू। और कब? एक दिन में। कानून है पांडे जी तुसे ग्रेट हो। पूरी दुनिया से फेवरेट हो। कानून को हाथ में ले रहे हैं थोड़ी सा। आप कानून को धरती पर लाइए। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। गो टू योर प्लेस। क्या बात है एक ताली बजे पांडे जी के लिए। क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम भी बचपना करते हो अब सिचुएशन को तो समझो। उन्होंने कहा चोर को एक दिन में पकड़ लूंगा तो मैंने उठा लिया ना कुछ। अरे वो कुछ बोल रहे हैं पूरी बात सुनो। देखिए आप लोगों के चोरी का सामान एक दिन में भी मिल सकता है एक हफ्ते में भी मिल सकता है महीने भी लग सकते हैं साल भी लग सकते हैं कुछ कह नहीं सकते। नहीं ऐसा मत बोलिए पांडे जी। देखिए हमारी मेहनत की कमाई है। हम आपके दुख को अच्छी तरह समझते हैं। हमारी पुलिस फोर्स आपकी पूरी सहायता करेगी। जैसा आप लोग चोर का विवरण देंगे हमारी टीम उसका स्केच बनाएगी और सारे पुलिस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी और चोर को हम यूं पकड़ेंगे। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ हाँ पांडे जी उनका हुलिया बताने में मैं आपकी मदद करूंगा। वेरी गुड। मैंने उन दोनों चोरों को अच्छी तरह से देखा है। सो स्वीट ऑफ यू। बस चोर के बारे में कोई सुराग मिल जाए। सुराग भी बस मिलते मिलते रह गया। उनके साथ जो मेरी हाथापाई हुई ना उसमें मेरा चश्मा गिर गया और मैं गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया। कोई फायदा नहीं पोपटलाल। अगर तुम नंबर देख भी लेते कोई फायदा नहीं। क्योंकि वो गाड़ी चोरी की हो सकती। अब तक उन्होंने नंबर प्लेट भी बदल दिया होगा गाड़ी भी बदल दी होगी। सभी करते हैं। हाँ। बदमाश कहीं के। इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट बार बार तुम लोगों को सावधान करती है कि चौकन्ना रहो। लेकिन नहीं जब तक तुम लोगों के घर में खुद चोरी नहीं हो जाती तब तक बात समझ में नहीं आती। सही सही कह रहे। बिल्कुल बिल्कुल। चोरी हुई तो बात समझ में आ रही है। पंडित साहब हम क्या करें? उसने कहा कि वो भीड़े बहन की सहेली है तो फिर मान लिया। बिल्कुल साकी नहीं हुआ। मैं वो चिपौली को श्राप देती हूँ। वो जब भी मंदिर में जाए उसके चप्पल चोरी हो जाए। वो नंगे पैर चले तो उसे कंकड़ लगे और वो जो भी रास्ता ले उसमें उसको कंकड़ ही कंकड़ मिले। मुझे पता नहीं माता जी सब देख रहे हैं। सर सही ये देखिए इनके घर चोरियां हुई हैं और तुम मुझे मिठाई ऑफर कर रहे हो। सर ये मिठाई तो सबूत है सर। सो स्वीट सबूत। हाँ इसे लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दो। जी सर। नहीं नहीं रुकिए इसे टेस्ट मत करना। क्या है कि वो चिबौली ने ये मिठाई पर वो बेहोशी की दवाई डाली है। मैं आप लोगों को टेस्ट करवाने के लिए अच्छी मिठाई लेकर आती हूँ। दया भाभी ये टेस्ट नहीं टेस्ट है। चखने वाला टेस्ट नहीं चेक करने वाला टेस्ट। हाँ। परीक्षण वाला। पंडित साहब जल्दी से चोर को पकड़ना है। दया बहन चोर तो पकड़े जाएंगे। चोर के पैर कितने भी लंबे और तेज क्यों ना हो लेकिन कानून के लंबे हाथ उसे यूं 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 करके पकड़ेंगे ले आएंगे और सीधे उसको जेल में डाल देंगे। यो पाटिल। यस सर। सही बात है सही बात है। और हाँ इस चोर को मैं ही पकड़ूंगा। बहुत बढ़िया सर। मुझे तो लगता है जिस प्लानिंग के साथ ये चोरी हुई है इसमें जरूर कोई जानकार का ही हाथ है। हाँ पाटिल मुझे भी यही लग रहा है। इस घटना स्थल पर आप सभी मेंबरों में से दो मेंबर गायब है। ये अब्दुल कहाँ है? अनिल जब से चोरी हुई है तब से गायब है। ओ हाँ और पांडे साहब उसका फोन भी नहीं लग रहा। बहुत ट्राई किया हमने। हाँ। कहीं वो अब्दुल इस चोरी में शामिल तो नहीं? हे मामती जी पांडे साहब अब अब्दुल भाई पर शक कर रहे हैं? नहीं नहीं दया बहन शक करना हमारा काम है। अगर हमारे घर पे चोरी हुई होती तो हम भी अपने परिवार वालों पर शक करते हैं उनकी पूरी चेकिंग करते हैं। मैं खुद अपने आप को भी चेक करता हूँ। देखो ऐसे ऐसे करके फाइनली निर्दोष साबित हो जाता हूँ। देखो पांडे बेटा अब्दुल ऐसा नहीं कर सकता। हमें अब्दुल पर पूरा भरोसा है।
तो कौन कर सकता है चाचा जी? वो जेठालाल कहाँ है? ओ पांडे जी, तुसी हुन जेठा भरा ते शक कर रहे हो यार? नहीं, बस पूछ रहा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है और जेठालाल गायब है, क्योंकि जहां गड़बड़ होती है वहां तो जेठालाल होता ही है ना। अरे पांडे बेटा, जेठिया को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमारी तो उससे अभी तक बात ही नहीं हो पाई है। वो अपनी किसी पार्टी से मिलने गया है और अपना मोबाइल दुकान में भूल के गया है। अरे ऐसे कैसे कोई अपना मोबाइल भूल सकता है? ए आईडी, तू क्या कभी कुछ भूलता ही नहीं है? तुझे सब याद रहता है? हो सकता है भाई। ऑफ कोर्स चाचा जी। अय्यर क्या बोल रहे हो तुम? अरे हाँ, निकल गया मुंह से। अरे अय्यर भाई छोड़िए ना ये सब, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? ये तो देखिए कि मैटर कितना सीरियस है। पांडे साहब कुछ भी कीजिए, आप चोरों को पकड़िए, बहुत बड़ी हमारे यहाँ कम से कम 15-20 लाख रुपए की चोरी हुई है, हमारा सामान वापस आ जाए, ये कुछ कीजिए प्लीज। आप लोग चिंता मत कीजिए, पुलिस आज नहीं तो कभी ना कभी तो उन चोरों को पकड़ के ही रहेगी। वेरी गुड। हो सकता है आपकी जो 15-20 लाख की ज्वेलरी है वो जब पकड़ी जाए तो 30-35 लाख की भी हो सकती है, सोने का भाव तो कभी भी बढ़ सकता है ना। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देता हूँ। जी जी प्लीज जल्दी। हेलो कंट्रोल रूम। सर बिलेटेड हैप्पी दिवाली। हाँ हैप्पी दिवाली। सर और छुट्टी में दिवाली में कहाँ गए थे? यार तुम अभी तक दिवाली मना रहे हो? यहाँ गोकुल धाम वासियों का दिवाला निकल गया है। एक कपल यहाँ की महिलाओं को बेहोश करके सारा माल कार में लेकर भागे हुए हैं, उनके बारे में पता करो। Got it, सर। वैसे तुम दिवाली वेकेशन में कहाँ गए थे? सर ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट। मैंने कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर दिया है, अब मैं चलता हूँ। ओके पांडे सर। देखिए वो चिपावली ने सुंदर वीरा ने टप्पू को चंद का घुघरा दिया था वो, और मेरा मंगलसूत्र चुरा लिया है तो वो मिल तो जाएगा ना? हाँ हाँ दया बहन, आप चिंता मत कीजिए, आपके मंगलसूत्र चुराने वाले को हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे इस बार। देखिए साहब, चोरी का दूसरा सामान बाद में मिलेगा ना तो चलेगा, लेकिन टप्पू का घुघरा और मंगलसूत्र मिले ऐसा करना, क्योंकि घुघरा वो टप्पू के मामा की निशानी और मंगलसूत्र टप्पू के पापा की निशानी है, इसलिए आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, और विश्वास रखिए मैं उन दो चोरों को जरूर पकड़ के लाऊंगा। ओके माता जी करे आपका मंगलसूत्र सदा सुहागन रहे। मेरा मंगलसूत्र? थैंक यू, डोंट वरी, मैं आप सबके मंगलसूत्र को ढूंढ लूंगा। आई नो हाउ इंपॉर्टेंट इज मंगलसूत्र फॉर द इंडियन वाइफ, आई नो इट, और इस बार मैं ही पकड़ूंगा चोर को। हाँ 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 आप ही। ओके आई हैव टू गो, बाय। थैंक यू पांडे जी। माता जी, पांडे साहब को शक्ति देना कि वो चोर और चोरनी को जल्दी से पकड़ पाए। हाँ, अब हमारी उम्मीद पुलिस ही है। सही बात है। हाँ, अब तो पुलिस ही इन दोनों चोरों को ढूंढ पाएगी। हाँ, पर इतने बड़े शहर में पुलिस इन लोगों को कैसे ढूंढेंगी? शहर में होंगे तो फिर भी ढूंढेंगे, पर अगर वो लोग मुंबई के बाहर चले गए हो तो? भाभी प्लीज आप शांत हो जाइए। माधवी देखो, पांडे जी ने कहा है ना, तो वो जरूर चोर को ढूंढ निकालेंगे। हा? अरे वो लोग तो ढूंढेंगे ही, लेकिन हमको भी सावधानी बरतना चाहिए था। सही बात है, अगर सावधानी बरती होती तो ये चोरी नहीं होती। और अगर जो हम सावधान रहते तो चोर सोसाइटी के गेट के अंदर नहीं आ पाते। हाँ बराबर। तो मैंने एक गल समझ नहीं आ रही, जब चोर आए थे तो अब्दुल दुकान चढ़ के क्यों चला गया यार? अरे अब्दुल का ही तो पता नहीं है, क्या मालूम कहाँ चला गया है। भाई बड़ा लापरवाह हो गया अब्दुल, पता नहीं चालू दुकान छोड़ के कहीं भी चला जाता है। आन दो इस अब्दुल को, अगर ये दुकान पे होता तो चोरों की हिम्मत ही नहीं होती कि अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में आते। बहुत डांटूंगा आज मैं ऐसे। अरे
कौन है बदमाश? पाकड़ी तिकड़ी ऐसी थोड़ी चाहिए था। अरे 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 बात है साहब, एक चोरी की मुसीबत तो खत्म हुई नहीं थी गोकुलधाम में, कि दूसरी मुसीबत आ गई। तूफान बन के आ गया कोई कार लेके, पर कौन है इस कार में, क्या इरादे हैं, चाहता क्या है? हम गोकुलधाम वालों की किस्मत भी ना हमसे दो कदम आगे चल, इंस्पेक्टर पांडे यहाँ थे तब कुछ नहीं हो रहा, अचानक ये आ गया कार लेके, पता नहीं कौन है। बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस कार में बहुत बड़ा राज है, ऐसा राज जिसे आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे, और ऐसे चौंकेंगे कि पूछिए मत। लेकिन ये राज देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और मैं जानता हूँ आप देखेंगे क्योंकि आप हंसना चाहते हैं, और हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये तो वही गाड़ी है जिसमें चोर भागे थे। लगता है ये लोग हम पे हमला कर रहे हैं। रोशन सिंह चोरी से दर्द किसी हथियार से नहीं करता। अब्दुल, अरे ये तो अब्दुल है, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। गाड़ी के पीछे की सीट पे देखिए। क्या भैया? आइए आइए, ये देखो। और वही जिसने मुझे परफ्यूम सुंघाया था। अरे क्या हुआ, क्या डिब्बे, तूने मेरे पैर पे पैर रख दिया। सॉरी सॉरी चाचा जी। अरे क्या सॉरी, अब्दुल ने मुझे बोला ना कि आइए चाचा जी देखे, और सब लोग आगे चले गए तो मैं कैसे देखूंगा। अरे चाचा जी आप देखिए, आप देखिए, आप आइए आगे आइए, सब पीछे पीछे, सब पीछे हो जाओ, सब पीछे। वो भाई है ना, उसके साथ मैंने बालकनी से बात की थी, मुझे क्या पता कि ये चिबावला ये चिबावली का साथी है। अरे ये वही लोग हैं जिनके साथ हाथापाई में मेरा मोबाइल टूटा था। भाभी वो बेहोश है। बिल्कुल अब्दुल, तूने बहुत बढ़िया काम किया कि इन चोरों को पकड़ लिया। पर एक बात बता अब्दुल, ये तूने मुंह पे कपड़ा क्यों बांधा हुआ था? वो बेहोशी वाली परफ्यूम से बचने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा सोचा तूने अब्दुल, वेरी इंटेलिजेंट। पांडे जी को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि चोर पकड़े गए। क्या हुआ? नहीं, मैं इन्फॉर्म नहीं करूंगा। क्यों, क्या हुआ? मैंने जब उनको फोन किया था कि हमारे यहाँ चोरी हुई है, तो उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि इस बार चोर वही पकड़ेंगे। अभी किस मुंह से उनको बोलूं कि चोर पकड़े गए? पर इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना भेड़े। सही बात है, ठीक है मैं कर देता हूँ भाई, लेकिन पुलिस को बताना तो पड़ेगा ना कि चोर पकड़े गए। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर पांडे साहब, हाँ मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। सर एक खुशखबरी है, वो जो चोर जिन्होंने गोकुलधाम में चोरी की थी वो चोर पकड़े गए, वो अब्दुल पकड़ के लाया। यस हाँ हाँ, बात कीजिए ना। इनको पता मैं नहीं हूँ, मैं नहीं सर, भिड़े बोल रहा है, वो नहीं है यहाँ। मेरे कहने का मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ भिड़े नहीं है वो, जैसे अब्दुल चोरों को पकड़ के लाया तो भिड़े घर में गया दो मिनट के लिए, आ रहा है। हाँ, आई आई। हाँ। इतना क्या डर रहे हो बड़े मास्टर? हाँ। पांडे जी तुम्हें गोली थोड़े मार देंगे। गोली नहीं मारेंगे आती भाई, लेकिन शब्दों से मेरा एनकाउंटर जरूर करेंगे। भाई भिड़े बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उन्हें समझा दूं, फिर तो गोली मार देंगे। नहीं नहीं चिंता मत करो, आप मुझे मजाक सोच रहे आप। भिड़ो तो डर मत यार, साहब जी पे भरोसा।
आइए पांडे जी, आइए 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 सर, मोस्ट वेलकम, आइए 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 आइए, पीछे पीछे पीछे, सब लोग पीछे पीछे आइए, पीछे पीछे प्लीज, पीछे पीछे आप लोग पीछे आइए, आइए आइए आइए, थैंक यू थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, सो स्वीट ऑफ यू। अब आप भी लाइन में खड़े हो जाइए। हाँ प्लीज कैरी ऑन कैरी ऑन। नेता बनता है क्या? थैंक यू फॉर योर वार्म वेलकम। सलाम वालेकुम अब्दुल मियां। जनाब। अब्दुल मियां, सोचो अगर मैं तुम्हारे सोडा की दुकान के सामने दूसरी अपनी सोडा की दुकान खोल लेता हूँ तो तुम्हें बुरा तो लगेगा ना? अरे बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ मुझे भी बुरा लगा। तुम अगर इन चोरों को पकड़ने का काम खुद करते हो तो मुझे भी बुरा लगेगा ना? शोभा देता है तुम्हें। चलो ठीक है, अब ये बताओ कि तुम्हें ये चोर कहाँ मिले? एक मिनट, इससे पहले कि तुम अपनी कहानी शुरू करो, मैं वो सेक्रेटरी भिड़े से मिलना चाहता हूँ। कहाँ है वो भिड़े, दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ ये एक मिनट, आप उनको आहो करके पुकारती हैं? हो। आप उनको जब आहो पुकारती हैं तो वो कहीं भी रहते हैं तो आ जाते हैं? हो। ओह थैंक यू। आहो 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 भिड़े, ये मैं तीसरी बार आहो बोल रहा हूं, अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मैं इधर ही काय करता है ये, कल से क्यों वो मुझे बुला रहे? तुम्हें याद है तुमने मुझे फोन पर क्या प्रॉमिस किया था? मुझे याद है पांडे जी, बिल्कुल याद है कि चोर को आप ही पकड़ेंगे। अच्छा लगता है एक शिक्षक होके तुम पुलिस इंस्पेक्टर के सामने अपने प्रॉमिस को तोड़ते हो, अच्छा लगता है? नहीं पांडे जी, मुझे थोड़ी ना पता था कि अब्दुल चोर को पकड़ने वाला है। अगर पिडू को पता होता ना कि अब्दुल चोर को पकड़ने वाला है तो वो अब्दुल को फोन करके बोलता कि तू चोर को मत पकड़, पांडे जी चोर को पकड़ लेंगे। पांडे जी, बेचारे भिड़े मास्टर को पता होता कि अब्दुल चोर को पकड़ के लाने वाला है तो वो आपको बता देता, आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों भिड़े मास्टर, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये क्या पकड़ा पकड़ी लगा रखी है? पांडे बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लिए चोरों का पकड़ा जाना जरूरी है कि चोरों को किसने पकड़ा वो जरूरी? चोर पकड़े जाए वो जरूरी है। लेकिन चाचा जी अब आप ही बताइए, हर बार आप लोग मुझे प्रॉमिस करते हो कि चालू पांडे आओ और चोर को पकड़ो, लेकिन खुद ही पकड़ लेते हो, अच्छा नहीं लगता ना? इस बार मैंने बहुत सपने लेकर आया था कि इस बार मैं चोर को मैं पकड़ूंगा, लेकिन इस बार इसने चोर पकड़ लिया। देखिए पांडे साहब, हम आपका फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब आप अब्दुल से पूछिए ना कि उसने चोरों को पकड़ा कैसे। ओके हाँ, तो अब्दुल मियां पूछ रिया सबने, अब मैं इतना काम तो करूं? हाँ तो बोलिए अब्दुल जी। वो जब चोर और चोरनी पोपट भाई से उलझ रहे थे तो मैं अरे तू जा इससे, मैं सब कर रहा हूं, बाहर लेके जा इससे, तो मैं सब कर रहा हूं। अरे तू जा, अरे तू जा, इतना मैं किसी से मैं सब बताऊं? अरे कैसे चाचा, ये दोनों कौन है? वाओ अब्दुल भाई, आप कार के डिक्की में छुप गए थे। वो छुप गए भाई अब्दुल भाई, एक बार मैं लेफ्ट में बंद हो गई थी ना तो मेरा तो सांस लेना भारी हो गया था, और आप कार की डिक्की में कितनी देर तक बंद रहे? बहादुर है आप, बहादुर है। अरे भाई क्या बहादुर हो, ना समझ है?
अब्दुल, जब तूने देखा था कि मैं चोरों के साथ उलझा हुआ हूँ और तू गेट पर पहुंच गया था तो मुझे मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। पोपटलाल तुम बिल्कुल गलत बात कर रहे हो, अब्दुल ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। कैसे? अरे क्या कैसे, अगर वो चोर तुम दोनों को धक्का देकर भाग जाते तो बिल्कुल तो अब्दुल ये वापस थोड़ी ला पाता। लेकिन अब्दुल तुमने इन चोरों को पकड़ा कैसे? मैं कार के डिग्गी में था और कार रोड पे जा रही थी। लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा, क्या करूँ? अरे मेरा फोन तो मालकी तेरी नहीं ले गया। ये कार कहाँ रोक दी? अरे विक्की यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी? अरे मोना डार्लिंग, अब तक तो पोपटलाल ने गोकुलधाम में पुलिस भी बुला ली होगी। अच्छा तो इनका नाम मोना और विक्की है और इन्होंने मेरी गोकुलधाम की बहनों को लूटा है। लेकिन अगर शायद पोपटलाल या किसी और ने गाड़ी का नंबर प्लेट चेक कर लिया होगा तो? वेरी सिंपल, हर बार की तरह नंबर प्लेट बदल देंगे। और हाँ वैसे भी हमारी गाड़ी की डिक्की में काफी नंबर प्लेट्स है ना। चल अब ये लोग डिक्की खोलेंगे, कहीं मुझे देखकर डिक्की बंद ना कर दे। जैसे ही डिक्की खोलेंगे मैं अटक कर दूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। अबे तू मुझे क्या पूछ रहे, मुझे कैसे पता है डिक्की में आया? अब्दुल डिक्की में कैसे आया ये बस सोचो, तुम लोगों का क्या होगा वो सोचो। गोकुलधाम की बहनों को लूटते हो, शर्म नहीं आती? अब मैं ले चलता हूँ तुम लोगों को पुलिस स्टेशन। अबे तू हमें पुलिस स्टेशन ले जाएगा? अबे तू बच्चा है हमारे लिए। पुलिस हमें नहीं पकड़ पाई और तू हमें पकड़े। ओ मैडम पीछे हटो, मैं लड़कियों से नहीं लड़ता। हाँ चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो। तू जल्दी से चला। अबे पोपटलाल कुछ नहीं कर पाया, तू क्या करेगा? चले अब्दुल, अब तू क्या करेगा? अरे मोना जल्दी कर, परफेक्ट अपनी बहनों की तरह हो जा बेहोश। सॉरी विक्की। ओह माय गॉड मोना, सॉरी विक्की, मोना सॉरी विक्की, क्या किया मोना? सॉरी विक्की, सॉरी अब्दुल भाई, सॉरी। ओहो अब्दुल से अब्दुल भाई हो गए। अब्दुल भाई मैं क्या कह रही थी, हमारे पास 15-20 लाख का माल है, बस में बांट लेते हैं ना, बात खत्म। आप 60% रखिए, हम सिर्फ 40 रख लेंगे। गुड आइडिया, आइए गाड़ी में बैठिए। हाँ। गाड़ी में बैठिए। अब्दुल भाई पार्टनरशिप पक्की ना? ये लीजिए, ये लीजिए, लीजिए अब्दुल भाई, दीजिए सुन लीजिए अब्दुल भाई, सुनिए। हाँ और जब तक ये लोग होश में आए मैं उनको यहाँ पर लेके आ गया और आप सबको बुलाने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। अब्दुल भाई कहना पड़ेगा आपकी वजह से ये चोर पकड़े गए। अरस अब्दुल भाई थैंक यू वेरी मच। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप इस तरह सबूत को अपने गोद में नहीं उठा सकते। आप सबूत को नीचे रखिए, नीचे रखिए। अब्दुल है। अरे पर सबूत पकड़ा ना। अब्दुल मियां जब तुमने इन चोरों को पकड़ा इनको सीधे पकड़ कर पुलिस स्टेशन लाना चाहिए था। तुम यहाँ क्यों नहीं आए, ये पुलिस स्टेशन है क्या? पांडे जी वो दिमाग में इतना टेंशन था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हाँ वो थोड़ा टेंशन में आ गए। ऐसे हालत में इसकी तरफ से हम सॉरी बोल देते हैं। क्या ठीक है, जिस तरह तुम सावधान थे ना अब्दुल, अगर इस शहर का हर नागरिक सावधान हो जाए ना इस शहर में एक भी चोरी ना हो। डॉक्टर साहब मुझे तो मेरी जिम्मेदारी निभाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आपको आपकी जिम्मेदारी निभाने का पूरा मौका दूंगा। आइए जरा इन चोरों को चेक कीजिए,
और जरा होश में लाइए, आइए। उठो, जगिए जगिए जगिए। आ गए होश में। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। आइए आप एक तरफ हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। जी आइए, बाहर आइए, प्लीज बाहर आइए। अरे पकड़ो उसको। ए हम तिकड़े। आइए आइए, तुम लोगों का गोकुल धाम में स्वागत है। ओए अनु, तो मैं छटा मानी किसी ने मेरा मोबाइल तोड़ा था। शर्म नहीं आती आप लोगों को ये सब करते हो? हमने तुम पे भरोसा किया और तुमने हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। चिबाली, हमारा मंगल सूत्र चुराया। अरे मंगल सूत्र की कीमत तुम क्या जानो नैना बहन? अरे हमारी मेहनत की कमाई लूटते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अरे तुम पर तो गुस्सा इतना हो रहा है ना कि मतलब पांडे जी, इनको ऐसी सजा देना कि ये किसी का नया तो क्या पुराना मोबाइल भी ना तोड़ सके। इनकी दुनिया हिला देना। गोकुल धाम वासियों के बारे में तुम लोगों को इतना डिटेल में कैसे पता चला कि महिलाएं घर में कब अकेली रहती हैं? हम तो यहाँ 7 साल से आते हैं, आज तक हम ठीक से किसी को नहीं पहचान पाए। तुम दोनों को तो बड़े डिटेल में पता है, वो कैसे? सर वो बहुत दिनों से हमारी इन गोकुल धाम वालों पे नजर थी। मतलब गोकुल धाम को टारगेट बना के रखा था तुम लोगों। पांडे जी आप जरा पहले चेक करना, इन्होंने जो चोरी किए हम लोग का जो सामान है वो बराबर है कि नहीं। पांडे जी वो आगे की सीट पे है। शिशुपाल जी सर बैग ले आओ। जल्दी इस बैग में सिर्फ गोकुल धाम वालों का ही माल है या और भी किसी का? नहीं सर, सिर्फ गोकुल धाम वालों का ही है। ओके, अब आप लोग अपने अपने रुपए पैसे गहने जोरात को जरा चेक कर लीजिए कि बराबर है या नहीं। हाँ हाँ जल्दी। बाबूजी नंबर 17 मिल गया। मेरे ईयरिंग का पेंडेंट भी। और तो वो गहना कितना प्यारा लगता है ना। एक मिनट, आप इस बैग में से एक भी रुपया नहीं ले सकती, कोई भी गहना नहीं ले सकती जब तक पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई पूरी नहीं कर लेता। माधवी वो सबके कवर की नहीं देखो पहले उस पे। मतलब रिंग मिल गई है, पिटाई खिलानी पड़ेगी। लव यू रोशन। अरे सब है, अब आप लोग जरा पीछे हो जाइए। शाबाश अब्दुल, शाबाश। थैंक यू, प्लीज आप लोग जाइए प्लीज। थैंक यू वेरी मच पांडे साहब। We are proud of Mumbai Police. Yes. पांडे साहब आपका खूब खूब आभार। और अभी अभी हमारा नया नया रिनोवेशन हुआ है तो जरा घर भी देख लीजिए और गर्मा गर्म चाय नाश्ता करने के लिए आइए ना। अरे थैंक यू हमें मत बोलिए, थैंक यू तो अब्दुल को बोलिए, इसने आज बहुत बड़ा काम किया है। सोडा बेचने की बजाय चोरों को पकड़ा है, वाह। तारीफ के काबिल तो अब्दुल साहब है। थैंक यू अब्दुल। थैंक यू। अरे नहीं, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। नहीं ऐसे थैंक यू नहीं बोलते। देखिए मैं आकपरम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से अब्दुल को गोवीपू यानी कि गोकुलधाम वीरता पुरस्कार जाहिर करता हूँ।
और अब्दुल भाई, हम महिला मंडल का चोरी हुआ सामान आपकी वजह से वापस मिला है, इसलिए अगले किटी पार्टी में हम महिला मंडल आपका सम्मान करेंगे। क्या बात है, जिस तरह से सर्कस में करतबबाज पलटी मारता है, ठीक वैसे गोकुलधाम निवासियों की किस्मत पलट गई और चोरी हुआ वह सारा सामान अब्दुल के मार्फत वापस आया। भाई अब्दुल हम सबके लिए फरिश्ता बन गया, लेकिन सबकी किस्मत गोकुलधाम निवासियों की तरह तो होती नहीं, इसलिए आप लोग जरा खास ध्यान रखिए, कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपके घर आए और आपसे कोई जानकारी चाहे, आपसे कोई संबंध बढ़ाना चाहे, तो सोच लीजिएगा, उनसे व्यवहार बनाने के पहले 25 बार सोचिएगा, और आमने सामने तो छोड़िए, कोई फोन पे, ईमेल पे या वैसे भी आपसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर मांगे तो जानकारी मत दीजिए, आपका सावधान रहना बहुत जरूरी है। यहाँ तो अब्दुल था, वहां कुछ हो गया तो क्या हो, लेकिन ये जरूर तय है कि गोकुलधाम में कुछ ना कुछ अनोखा होता है। हम अनूठे गोकुलधाम वाले हैं और हमारा व्यवहार भी अनूठा है, अनूठे व्यवहार को देखने के लिए देखते रहिए। आप सभी का सम्मान समारोह पूरा हो गया हो तो मैं अपना काम पूरा करूं। हाँ, कीजिए कीजिए, ले जाइए इन दोनों को। बल तोड़ते हैं मेरे, इनके साथ पूरे गोकुलधाम वासियों को भी पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, सब पर केस होगा। हम पर क्यों केस होगा? लापरवाही का, सालों से पुलिस कह रही है कि लापरवाह मत रहो, सावधान रहो, लेकिन नहीं, आप लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसी चोरियां होती हैं और ऐसे लोग गोकुलधाम का डिटेल रखते हैं और घर में आके चोरी कर लेते हैं। नहीं नहीं, बराबर है पांडे बेटा, तुम्हारी बात एकदम सच है, हम सबको सावधान रहना ही चाहिए। तो चाचा जी, ये लोग सावधान क्यों नहीं रहते? पंडित साहब, एक दो जन भरोसा तोड़े उसका मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि सब लोग हमारा भरोसा तोड़ेंगे। ये लोग चोर निकले, लेकिन ज्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं। हम एक दूसरे पे भरोसा करना कैसे छोड़ सकते हैं? मेरी माँ हमेशा कहती है, अगर इंसान इंसान पर भरोसा नहीं करेगा तो इंसानियत तो खत्म हो जाएगी। सही कहा आपने दया बहन, विश्वास ही इंसानियत की बुनियाद है। आप लोग कितने भोले हो, आप लोग कभी नहीं बिगड़ोगे, बहुत सारी सुधरोगे। क्यों, देख लिया क्या मिला तुम लोगों को? है बेईमानी करके पैसा कमाना चाहते थे ना, तो क्या मिला, पैसा या जेल? अरे पैसा तो तुम लोग मेहनत करके भी कमा सकते थे ना। यहाँ देखो, सब लोग मेहनत करते हैं इसलिए सबको चैन की नींद आती है और परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हैं। और मुझे एक बात बताओ, बेईमानी करने में भी मेहनत तो लगती होगी ना, दिमाग तो लगाना पड़ता होगा ना कि किसको कैसे लूटे। अरे उतनी मेहनत और उतना ही दिमाग अच्छे काम में लगाते तो पैसों के साथ साथ शांति भी मिलती। और नैना बहन, औरत तो प्यार, करुणा, त्याग, ममता, इसकी मूरत होती है। और आप सब लोग हमें माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज, हमसे गलती हो गई, अब हम मेहनत करके ही कमाएंगे। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी, सजा इसलिए मिलेगी कि दोबारा गलती ना कर सके। ए पाटिल। जी सर। इस गाड़ी को अपने कब्जे में लो और पुलिस स्टेशन लेकर आओ। सर। चलो जल्दी चलो। चलने, शिशुपाल, बैग उठाओ। आइंदा सोच समझ कर मुझे फोन करना। और अब्दुल, तुम्हें फिर से एक बार थैंक यू। थैंक यू। अरे बीड़े भाई, कितनी बार करोगे थैंक यू? अरे थ्री चीयर्स फॉर अब्दुल भाई। हिप हिप हुर्रे हुर्रे हुर्रे। अब्दुल भाई, हम सबकी आंखों में दुख के आंसू थे, लेकिन आपकी वजह से हमारे चेहरे पर खुशी छा गई है। तो अब्दुल भाई के लिए गरबा हो जाए। Thank you.
नटू काका यहाँ पर भी सेठ जी पार्टी से मिलकर निकल गए हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस पार्टी से मिलने सेठ जी जाने वाले थे वहाँ वहाँ फोन किए, लेकिन हर जगह से सेठ जी पार्टी से मिलकर निकल ही रहे हैं। हाँ तो निकल ही जाएंगे ना, उनको थोड़े ही पता है कि हम उनका कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बागा, मेहता साहब के बाद बापू जी का भी फोन आ गया, लगता है सेठ जी का कोई जरूरी काम है। नटू काका, अभी सेठ जी का कॉन्टेक्ट कैसे करें? क्यों, क्या हुआ भाई? आ गए सेठ जी, आ गए, आ गए सेठ जी, आ गए सेठ जी, आ गए। क्या हो रहा है ये सब? अरे सेठ जी कहाँ चले गए थे आप? हाँ, हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। क्यों? मेहता साहब का और घर से बापूजी का फोन आया था आपके लिए। हाँ, वो कब से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जल्दी उन्हें फोन कीजिए। अच्छा, अरे मेरा फोन? अरे सेठ जी ये लीजिए, आप आपका फोन दुकान में भूल गए थे इसीलिए तो सब रामायण हो गई। ओहो, हेलो बापूजी। ए जेठिया, तू मोबाइल दुकान में भूल के बाहर चला जाता है। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। अरे क्या सॉरी, हम कब से तुझे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और तू एक ही मोबाइल दुकान में भूल के बाहर चला जाता। सॉरी सॉरी बापूजी, गलती हो गई। लेकिन क्या हुआ क्या? अरे जेठिया, हमारी सोसाइटी में दो चोर आए थे। दिन दहाड़े गोकुल धाम में चोर? हाँ, और वो दो चोर हमारी सोसाइटी में बड़ी चोरी का प्लान बनाकर आए थे। और फिर दोनों चोरों को इंस्पेक्टर पांडे ले गए। अरे बाप रे, गोकुल धाम में इतना सब हो गया और मुझे पता तक नहीं, मैं अभी घर आ रहा हूँ बापूजी। नहीं नहीं जेठिया, अब यहाँ सब ठीक हो गया है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तू काम पे ध्यान दे। बापूजी, जब तक मैं मेरी दया को अपनी आंखों से सही सलामत देख ना लूं, मुझे चैन नहीं पड़ेगा, मुझे घर जाना ही होगा। अब्दुल भाई, आप तो हीरो हीरो। हाँ अब्दुल भाई, सच में आप गोकुलम सोसाइटी की आन बान और शान हो। थैंक यू। अरे अब्दुल भाई, आप राजभोग हो, आप मसाला दूध हो, आप चॉकलेट बर्फी हो। अरे अब्दुल भाई, आप कॉकटेल जूस हो। थैंक यू थैंक यू। ओए गोली, सीधे सीधे बोलना। ओए अब्दुल भाई, तुसी मिठाई के दुकान हो। Yes अब्दुल भाई, we are very very proud of you. Yes अब्दुल भाई, we salute you. Yes yes, yes. अब्दुल भाई, टप्पू सेना की तरफ से आपको पार्टी। एक मिनट अब्दुल भाई, क्या कर रहे हैं? आपका प्यार है और यही सबसे बड़ा मेरा इनाम है। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू, वेलकम। अरे अब्दुल भाई, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए, आपने चोरों को पकड़वाया है। अभी कोई भी चोर हमारे गोकुलम सोसाइटी में चोरी करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। दया? हाँ? दया? क्या हुआ चुप के? दया, दया, सॉरी, वो मेरा फोन में दुकान में भूल गया था, उसमें तू ठीक है ना दया? अरे टप्पू के पापा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब दुकान जाते वक्त आप मुझे जैसे ही छोड़कर गए थे ना, ठीक मैं वैसे ही हूँ, ऑलमोस्ट तंदुरुस्त। बस बीच में थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी तो ऐसे बोल रही है मानो अपनी मर्जी से थोड़ी देर के लिए सो गई हो। टप्पू के पापा, खरेखर आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। माता जी का लाख लाख शुक्र है कि तुझे कुछ हुआ नहीं, वरना I hate tires रे। टायर्स ही ना? पहली बार सही अंग्रेजी बोली तू। थैंक यू। चले चले टप्पू के पापा, आप थक गए होंगे, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, फिर आपके लिए चटाकेदार मसालेदार गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। इतना कुछ हो गया लेकिन तेरे लिए तो मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तू ऐसी की ऐसी ही है।
भगवान करे तो हमेशा ऐसी ही रहे, हंसती खिलखिलाती। और आज तुझ पर जो मुसीबत आई है ना, वो आखिरी मुसीबत हो। आगे से भगवान करे तुझ पर कोई मुसीबत ना आए। टप्पू के पापा, जब तक मेरा मंगल सूत्र सलामत है मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। माता जी, मेरे मंगल सूत्र को सलामत रखना और खुश रखना, तो मैं भी सलामत रहूंगी और खुश रहूंगी। भारतीय नारी, वाह, अपनी खुशी में पति को भी शामिल कर लिया। टप्पू के पापा, इसमें वाह क्या, ये तो हर पत्नी का धर्म है। चलिए चलिए, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, फिर आपको गर्म गर्म खाना परोसती हूँ। फिर सोडा सोप भी जाना है ना। हाँ हाँ, आज तो खास जाना है दया, पोपटलाल और अब्दुल का सम्मान जो करना है। भाई मानना पड़ेगा अब्दुल मियाँ, आज तो आपके साथ फिल्मी सीन हो गया। सही बात है अब्दुल भाई, फिल्मों में तो हम देखते थे, और खास तौर पर पुरानी हिंदी फिल्मों में, कि कोई आदमी कार की डिक्की में छुप गया और फिर पीछा कर रहा है। तुमने तो सचमुच कर दिखाया भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे कार की डिक्की में छुपना कोई मामूली बात थोड़ी है, बड़ी हिम्मत का काम होता है भाई। अरे भाई, मेरे लिए तो कार की डिक्की में छुपना नामुमकिन काम है। हाथी भाई, प्रैक्टिस करो तो सब मुमकिन है। ऐसे कैसे? तो ठीक है, कल से मैं डिक्की वाली गड्डी लेके आऊंगा। वो क्यों? तुम सब बारी बारी डिक्की में छुपने की प्रैक्टिस करना। मजाक कर रहा हूँ यार। जेठा भाई भी आ गए। लाओ भाई, बैठो बैठो। अरे भाई बैठना बात में, सबसे पहले अब्दुल मियाँ और पोपटलाल यांचा विजय। भाई वाकई में अब्दुल और पोपटलाल, तुम दोनों ने आज कमाल कर दिया भाई, जोरदार सही हो गया। नहीं नहीं जेठा भाई, कोई कमाल नहीं किया, वो तो हमारा फर्ज था। हाँ, और भाई अभी तारीफ मत करो, ये तारीफ संभाल कर रखो, जब लड़की वाले मुझे देखने आए ना तब तारीफ करना। इसका मतलब ये मौका तुम्हें मिलेगा ही नहीं। क्या मतलब है मेहता साहब, लड़की वाले मुझे कभी देखने आएंगे ही नहीं? अरे नहीं नहीं पोपटलाल, मेरे कहने का मतलब है लड़की वाले देखने आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, पर उस वक्त तुम खुद ही अपनी इतनी तारीफ कर लोगे कि हमें कुछ तारीफ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। वाह 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 वाह, मेहता साहब क्या बात को घुमाया है आपने। नाम सोसाइटी ऑल इन वन जनरल स्टोर, आप में से पोपटलाल कौन है? जी मैं हूँ जी। ये लीजिए आपके दो बुके। सॉरी। थैंक यू। लेकिन ये किसने भेजे? भेजे किसी ने नहीं है, आप ही ने तो फोन करके ऑर्डर दिया था। भाई पोपटलाल, कहीं सपने में तुम्हारी शादी करने का प्लान तो नहीं है? नहीं नहीं मेहता साहब, अगर ऐसा होता तो वो गुलदस्ता क्यों मंगा था, वो तो वरमाला मंगा था ना। जेठालाल क्या फर्क पड़ता है भाई, सपना पोपटलाल देख रहा है ना, तो गुलदस्ता देके शादी कर ले या वरमाला देके, क्या फर्क पड़ता है। सही बात है। वैसे पोपटलाल, कब से शुरू किया ये गुलदस्ते का रिवाज? जो भी आती भाई, बहुत क्रांतिकारी विचार है भाई, समाज को बदल दूंगा, शादी करूंगा गुलदस्ता देके करूंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, तो शायरी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पोपटलाल यांचा गब्बस। ओ भाई, मैंने कोई गुलदस्ते नहीं मंगाए, ये ले लो वापस। मजाक मत करो साहब, 700 रुपए दे दीजिए ना। अरे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको गलत फहमी हो रही है। अरे गलत फहमी कैसे हो सकती है साहब, आपने खुद फोन करके बोला था कि मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ, और आपने ही तो बोला था कि दो बड़े बुके लेके आना, 700 रुपए वहीं के वहीं मिल जाएंगे। ऐसा इंट्रोडक्शन तो तुम ही देते हो। पोपटलाल मजाक छोड़ो, उसे 700 रुपए दे। अरे भाई मैं क्यों दूं 700 रुपए, मैंने ऑर्डर दिया ही नहीं। मैं सपने में भी 700 रुपए का फालतू खर्चा ना करूं, तो हकीकत में तो सवाल ही नहीं है। और आने दे बाबू, पैसे मैं दे देता हूं। अरे भाई सॉरी, तू भी क्यों देगा 700 रुपए? क्योंकि मैंने फोन पे पोपटलाल बनकर ये बुके मंगाया है। और कभी कभी बनना पड़ता है यारो, इन्होंने काम ही ऐसा किया। अरे भाई तेरे 700 रुपए। थैंक यू। वाह भाई वाह। सॉरी, दो दो बुके क्यों मंगवाए हैं? और बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के लिए। वो कौन है? और बड़े मियाँ अपने पोपू जी, और छोटे मियाँ अपने अब्दुल जी। ओहो, सम्मान करने के लिए। आ, 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 आ,
आवे पपोलिया ओए अब्दुल यारा ओए ये रहा सोड़ी सोसाइटी की तरफ से तुम्हें 700 रुपए मिल जाएंगे। ओ छोड़ी यार पिड़ू, पर सोसाइटी की तरफ से अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो ये बुके मैं थोड़ी ना मंगाता, तो मैं तुझे ही कह देता ना यार। भाई ये बुके स्पेशल रोशन सिंह सोड़ी और जीत सिंह सोड़ी की तरफ से है भाई। ओह अच्छा अच्छा, फिर भी पोपटलाल तुम्हारा हो गया ना वो बुके चाहिए। हां मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पोपटलाल और अब्दुल का सम्मान करने के लिए सोड़ी का सम्मान करता हूँ सोसाइटी की तरफ से। दिल खुश कर देता। बैठ जा सोड़ी, तेरा हो गया? अभी तो बाकी है यार। यस नहीं नहीं, मैं बुके की बात कर रहा हूँ। तो थैंक यू। दोस्तों मेरा और अब्दुल का सम्मान करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। पोपटलाल शुक्रिया बाद में अदा करना, अभी एक और चीज बाकी है। अभी और क्या बाकी है? गिफ्ट। अरे गिफ्ट गिफ्ट जी, आइए आइए जरा स्टेज पे आइए। हाथी भाई जरा चीफ गेस्ट को आने दीजिए। वही बोला ना चीफ चीफ भाई। पोपटलाल चोरों के साथ जपा जपी में आपका मोबाइल टूट गया था, इसलिए ये लीजिए आपके लिए नया मोबाइल। ओहो वाह। नहीं 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 जेठालाल, मैं तुमसे मोबाइल नहीं ले सकता, मैं नया मोबाइल खरीद लूंगा। अरे भाई मैं अपनी ओर से नहीं दे रहा हूँ, ये तो पूरी सोसाइटी की तरफ से तुम्हें दिया जा रहा है। वो क्या है, भिड़े ने मुझे फोन करके बताया था कि भाई ये पोपटलाल का फोन इस तरह टूट गया है, तो दुकान से एक नया मोबाइल लेके आना, हम सोसाइटी की तरफ से उसका एक मोबाइल नया गिफ्ट दे देंगे, इसलिए दे रहा हूँ भाई। देखिए दोस्तों, इस मोबाइल की कीमत 7,000 रुपए है, इसलिए मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ कि ये सोसाइटी की तरफ से हम लोग इसको गिफ्ट कर रहे हैं, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? नहीं नहीं कोई ऑब्जेक्शन। ओ नाया पिड़ो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तेरे को एनओसी दे दिया। हां बढ़िया किया अय्यर भाई। इल्ले इल्ले क्या क्या ले ले? अरे इल्ले इल्ले मतलब नो प्रॉब्लम। अच्छा इल्ले। हां हां तो भाई दे दो भाई। ले लो ले लो। खुशी खुशी दे रहे हैं। बैठो भाई बैठो। अभी इनाम देने की बारी मेरी। पोपटलाल ये लो 5,500 रुपए। नहीं 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 नहीं, ये अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैं पैसे बिल्कुल नहीं ले सकता। अगर मुझे कुछ देना ही है तो मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ कर दो। वैसे भिड़े, हम लोगों ने पोपटलाल को बुके दे दिया, सोसाइटी की तरफ से मोबाइल भी दे दिया, पैसे ठीक नहीं लगता रहने तो। हाँ तुम्हें कसा ना बड़ा खर्चा करते रहो दे भाव। मेहता साहब सिर्फ उसे ही नहीं, आपको भी मैं देने वाला हूँ। ये रहे आपके 9,230 रुपए। अय्यर जी ये रहे आपके 1,850 रुपए। और पोपटलाल जी ये आपके 5,500 रुपए। ले लो ले लो ले लो। भाई भिड़े माना कि भाई तुमने पोपटलाल को खुश होके पैसे दे दिए, लेकिन हमें किस बात के पैसे दिए भाई? मेहता साहब ये कोई इनाम के पैसे नहीं है, ये रिनोवेशन का जो हिसाब किया ना मैंने, उसके बाद जो पैसे बचे वो दे रहा हूँ मैं। ओ हो 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 आमीन। अरे बाबा बहुत बढ़िया भिड़े मास्टर। तो वैसे भिड़े मास्टर मेरे कितने पैसे बचे हैं? हाँ हाँ भाई। हाथी भाई सबको पैसे मिलने नहीं वाले, कुछ लोग पैसे देने भी वाले हैं। ओह अच्छा। कोई बात नहीं, जिनको कवर नहीं मिले हैं उनको पैसे मिलेंगे नहीं, उनको पैसे देने पड़ेंगे। हाथी भाई आपको देने हैं 8,540 रुपए। जेठालाल तुम्हें देने हैं 18,000 रुपए। ठीक है। और सोड़ी तुम्हें देने हैं 13,350 रुपए। 13,350। हाँ तो ये सारे पैसे तुम लोग सोसाइटी के मेंटेनेंस के साथ जमा कर देना। अरे भाई भिड़े ये रकम याद रहे ना रहे इससे अच्छा काम करना भाई, ये रकम का एक मैसेज कर देना मोबाइल में। हाँ सही बात है। हाँ वो मैसेज कर दूंगा, और साथ में जो रिनोवेशन का हिसाब किया ना उसकी एक एक कॉपी सबको मिल जाएगी।
और बेवकूफों जैसी बातें क्यों कर रहा है? और हिसाब के मामले में तुझ पे खुद से ज्यादा भरोसा है। मोस्ट वेलकम। हाँ भाई, हिसाब की जरूरत नहीं है भाई। चलो भाई, अब हिसाब की बात कैंसिल करो। हाँ भाई, अभी ये रिनोवेशन हिसाब वापसी प्रोग्राम ओवर, छोटा पार्टी ओवर, सम्मान समारोह ओवर। चलो भाई, आज का दिन तो हंगामे के साथ खत्म हो गया। अभी देखते हैं कल गोकुलधाम में दिन की शुरुआत कैसे होती है। मित्रों, देखा हम गोकुलधाम निवासियों का आपसी व्यवहार, आपसी संबंध। अब्दुल का मान सम्मान किया, पोपटलाल को मोबाइल दे दिया, तो यही तो विशेषता है हमारी। हम लोगों का प्यार अनोखा, हम लोगों के झगड़े अनोखे, एक एक रीति अनोखी। सच पूछे तो गोकुलधाम नहीं है मिनी इंडिया, विविधता में एकता है। हम सब लोग मिलकर रहते हैं, मिलकर मुसीबतों का सामना करते हैं, मिलकर हंसते हंसाते, और यही चीज है जो हमें दुनिया से अलग बनाती है। लेकिन जिस तरह से सड़क पर कभी भी ट्रैफिक जाम हो सकता है, ठीक वैसे यहाँ कभी भी हंगामा हो सकता है। इसलिए नए हंगामे की तलाश में आप ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे। एक नया हंगामा आपके लिए जल्दी, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।